अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, अ सिविल वॉर इज कमिंग, इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान। इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान। ओके चलो जी, चेकआउट कर लेते हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर हालात तो इस तरह के हैं कि लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान है, स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं, नहीं हो सकती वो तो इनकी वीडियो का इनके टॉपिक है ना। अकॉर्डिंग। तो लेट्स गो, चले वीडियो को चेकआउट कर दे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नूर के चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें और चलें देखते हैं इस वीडियो लेट्स गो। पाकिस्तान एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस हैं। एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करें। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जदोजहद करनी और निकलना बाहर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पुलिस इमरान खान को जेल में बंद करना चाहती है। इमरान खान जो देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जो पीटीआई पार्टी के लीडर है, उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के अगेंस्ट रास्ते पर उतर आए हैं। क्यों? Why is Pakistan so divided? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम पाकिस्तान को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, उनके सक्सेस और फेलियर से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। अगर आपको वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 1, कौन है इमरान खान? आज की कहानी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। ये है इमरान खान, जो पाकिस्तान के लिए एक हीरो है। एटलीस्ट कुछ लोग ऐसा मानते हैं, नहीं सारे लोग मानते हैं। हीरो तो है, क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता। और दो, वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे जिन्होंने अपनी 5 साल की टर्म कंप्लीट। आजादी के बाद पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने उनकी 5 साल की टर्म सबसे बुरी बात मुझे पाकिस्तान के अंदर यही लगती है, हटाया गया या फिर असैसिनेट कर दिया गया। ये चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जो दिखाता है कि किस प्राइम मिनिस्टर ने कितने दिन एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किए। नवाज शरीफ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो 5 साल की टर्म कंप्लीट करने के थोड़े बहुत नजदीक आए, लेकिन फिर पनामा पेपर लीक हुए और इनमें शरीफ फैमिली का नाम सामने आया। पता चला कि उनके 8 ऑफशोर कंपनीज के साथ लिंक्स है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस नवाज शरीफ पर लग गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया। एज अ रिजल्ट उन्हें परमानेंटली पब्लिक ऑफिस की कोई भी पोजीशन होल्ड करने से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, यानी वो कभी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए खड़े भी नहीं रह सकते। इस केस पाकिस्तान के पीएमपी अगेंस्ट जाने वाला कौन था? इमरान खान, जिन्होंने करप्शन के बेसिस पर एक केस बनाई और नवाज शरीफ को हमेशा हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से ही निकाल दिया। और तो और, नवाज शरीफ को करप्शन के चार्जेस के अंदर 10 साल की सजा भी मिली। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये इनके लिए बात नहीं है, हमारे लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। भारत और पाकिस्तान में एक बात कॉमन है कि दोनों देशों में हीरो कल्चर, हम डेस्परेटली एक हीरो की तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि एक मसीहा आएगा और चुटकी बजाते ही हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इमरान खान की तरफ लोगों ने इसी आशा से देखना स्टार्ट किया। पॉलिटिक्स में उतरने से पहले ही उनकी एक इमेज थी। 1996 में उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को 2 पार्टियां डोमिनेट करती आई थी और दोनों ही करप्शन के चार्जेस में फंसे हुए थे। उन्हें पाकिस्तान को एक करप्शन फ्री अल्टरनेटिव देना था, ताकि पाकिस्तान की गवर्नेंस सुधर सके। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। और इसी प्रॉमिस के साथ अगस्त 18, 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। चैप्टर 2, तो अब क्या हो रहा है? इमरान खान अपने ही लोगों का विश्वास अपनी फुल टर्म तक नहीं बरकरार रख पाए और 2022 में ही उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू पावर से हटाया गया। उन्हें पावर से हटाने में सबसे बड़ा रोल इस इंसान ने प्ले किया, ये है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर। और नवाज शरीफ पीछे के बहुत अलग लोग हैं, वो खुद अपने इनमें इतनी जान नहीं है। इससे ज्यादा भी दरदारी का रोल था। करंट प्राइम मिनिस्टर अपने एब्सकॉन्डिंग भाई को मिलने के लिए लंदन जा रहा है, कितना अमेजिंग है, राइट? बट दैट्स द पॉइंट। ये एक वैसे वाकई फनी चीज है कि एक बंदा प्राइम मिनिस्टर है और वो अपने अभी तक अपने मसाइल, अपने मुल्क के मसाइल के हल के लिए एक दूसरे बंदे से पूछने के लिए अलग कंट्री में जाता है। एक वाकई फनी बात है, लंदन में, और ये किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का तमाशा नहीं होता। पावर से हटने के बाद थिंग्स हैव बीन डिफिकल्ट फॉर इमरान खान। 2022 नवंबर में वजीराबाद में एक रैली के दौरान उन पर गोलियां चली। लकीली वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच गए, लेकिन उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के पीएम को ब्लेम किया। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके अगेंस्ट 21 एफआईआर लॉज्ड, इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, 83 पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके घर तक पहुंच गई है।
जब पुलिस ने उनके घर को घेर लिया तो इमरान खान के फॉलोअर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पेशावर, इस्लामाबाद, फैजलाबाद, कराची, बिहारी, कैटा, मियांवाली, सरगोधा, इन सारे शहरों में हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स आए जिनके अगेंस्ट टियर गैस, पैलेट गन्स और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ। इस पूरे किस्से से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी डर गए और उन्होंने कहा कि इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से उन्हें दुख होता है। पाकिस्तान को लोगों के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की जरूरत है और ना कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ाने की। अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट ने इस अरेस्ट को रोकने का आदेश दिया तब चीजें ठंडी हुई। ओके दोस्तों, मैं ये वीडियो रिलीज करने ही वाला था लेकिन अब भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। 18 मार्च को इमरान खान की कोर्ट में एक सुनवाई थी जिसके लिए वो खुद गए। आज यानी 19 मार्च को पुलिस इमरान खान के घर घुस गई और उन्होंने 61 लोगों को अरेस्ट किया। और तो और उनके घर से AK-47 गन्स मिली है, ऐसा पुलिस का कहना है। बैक टू द वीडियो। लेकिन क्यों पुलिस उन्हें जेल में बंद करना चाहती है? चैप्टर 3, इमरान खान और करप्शन। पाकिस्तानी पुलिस इमरान खान को क्यों पकड़ना चाहती है? उन्होंने ऐसा क्या किया? सरकार कहती है कि उन्होंने सरकारी धन चुराया है और अपने पास रखा है। तोशाखाना केस में उनके अगेंस्ट एक वारंट निकला। एक सेकंड, ये तोशाखाना क्या होता है? तोशाखाना यानी देश की संपत्ति। होता यह है कि जब भी कोई लीडर देश के लिए किसी विजिट पर फॉरेन देश में जाता है और उसे कोई गिफ्ट मिलता है तो फिर वो गिफ्ट उसका गिफ्ट नहीं, वो देश के लिए गिफ्ट होता है और वो गिफ्ट ट्रेजरी के पास जाना चाहिए। लॉजिक यह है कि प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी एक लीडर देश का सेवक होता है, उसे मिलने वाला गिफ्ट देश की भलाई में यूज होना चाहिए क्योंकि वो गिफ्ट उसे एज अ पर्सनल कैपेसिटी नहीं मिला है, उस पोस्ट को मिला है। पोस्ट को मिला है जिस पोस्ट पे वो बैठा है। भारत एक सिस्टम है कि सिर्फ 5,000 रुपए के कम वैल्यू के गिफ्ट्स डिप्लोमैट्स या पॉलिटिशियंस अपने पास रख सकते हैं। अगर वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो उन्हें जमा करना पड़ता है और अगर ये बहुत अच्छी बात है तो फिर डिफरेंस पे करना पड़ता है। ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, नहीं तो फिर कोई भी लीडर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, करप्ट बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं लेकिन इन गिफ्ट्स का क्या करना है ये देश डिसाइड करता है। अब पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और अमेरिका कह तो जरूर रही है कि वो मदद करेगा लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आई। दैट मींस पाकिस्तान Literally saving every penny. 2023 शहबाज शरीफ की सरकार ने एक लिस्ट निकाली और देखा कि उनके ट्रेजरी में कितने हाई वैल्यू गिफ्ट्स हैं। उन्होंने 2002 से मिले सारे गिफ्ट्स की लिस्ट निकाली और उन्हें पता चला कि इमरान खान को 100 से ज्यादा गिफ्ट्स मिले थे। इन गिफ्ट्स की टोटल वैल्यू है 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज यानी 3 करोड़। तो सरकार कहती है कि इनमें से कई हाई वैल्यू गिफ्ट्स जैसे डायमंड वॉचेस, रोलेक्स वॉचेस इमरान खान ने अपने पास रखे और कुछ तो बेच भी दिया। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि दिस इज नॉट द होल स्टोरी। तोशाखाना केस तो बस एक बहाना है, सरकार का असली इंटेंशन उन्हें किडनैप करना और अल्टीमेटली असैसिनेट करना है। इमरान खान कॉल्स दिस द लंदन प्लान। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ उनके भाई से मिलने लंदन गए और तब दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। चैप्टर 4, लेसन्स फॉर इंडिया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से हमें क्या फर्क पड़ता है। आज पाकिस्तान में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। ये सिचुएशन तभी क्रिएट होती है जब देश की जनता का अपनी सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, जब सरकार लोगों को संभाल नहीं पाती और लोग अपने ही देश के अगेंस्ट वायलेंट बन जाते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस तो कई दशकों से चलता आया है लेकिन जब लोगों को आटे के लिए झगड़ना पड़ता है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, पेट्रोल के दाम छप्पर फाड़ देते हैं तो क्या होगा? कब तक लोगों के पेशेंस की परीक्षा होगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ पाकिस्तान को नहीं भारत को भी ढूंढने की जरूरत है। हम दोनों देशों के लिए सबसे पहला लेसन है हीरो कल्चर के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत में हमने हीरो कल्चर की बात की। ये हीरो कल्चर भारत में भी है। हम हमारे लीडर्स को एज ह्यूमन बीइंग्स नहीं, हीरो या विलन के नजरिए से देखते हैं। जिस लीडर को हम हीरो बनाते हैं उनकी सारी गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में यही किया। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि अगला पॉलिटिकल लीडर एक हीरो होगा, वो बदलाव लाएगा और नया पाकिस्तान बनाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि देश को बदलने के लिए सिस्टम को बदलने की जरूरत होती। जिस करप्शन के अगेंस्ट इमरान खान खड़े हुए उसी करप्शन के बेसिस पर अब उन्हें इलेक्शन में उतरने से 5 सालों के लिए बैन कर दिया। इंडिया मस्ट रिमेम्बर, वी मेक लीडर्स फ्रॉम आवर हीरोज, वी मेक हीरोज आवर गॉड्स, एंड गॉड्स डोंट मेक मिस्टेक्स, दे आर प्योर, एंड दैट्स व्हाई लीडर्स फेल। दूसरा लेसन है इकोनॉमी के बारे में। हाँ, आपको आज सुनकर विश्वास नहीं होगा लेकिन 1970s तक पाकिस्तान इकोनॉमी के मामले में भारत से आगे था। पाकिस्तान भारत से अमीर देश हुआ करता था लेकिन फिर उन्होंने बैक टू बैक गलतियां करना स्टार्ट किया और उनकी इकोनॉमी पीछे छूट गई। लेसन ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं, लेसन ये है कि अगर हमने गलतियों से नहीं सीखा तो हम भी पीछे छूट सकते हैं। जहां भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को और रिस्ट्रिक्ट किया और अड़ोस पड़ोस में
मिलिटेंसी फैलाने पर फोकस किया, मिलिट्री बजट बढ़ाया और लोगों की नीड्स को इग्नोर किया। जहां भारत तो नहीं, हमसे जबरदस्ती लिया गया है, डिफेंस पर स्पेंड करता है, हम नहीं देना चाहते, 18-20% मिलिट्री को देता है। यही सेम पैसा बेहतर कामों के लिए लगाया जा सकता है। एंड द लास्ट लेसन इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन। हमने यही देखा कि कैसे अलग अलग लीडर्स देश को आगे बढ़ाने के छोड़कर दूसरे लीडर्स को नीचा दिखाने में फोकस करता है। डोंट यू थिंक कि भारत में भी ऐसा ही होता है? अच्छा काम करना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है? दूसरे लोगों को फील करवाना कि दूसरा लीडर कितना निकम्मा है। अक्सर मीडिया और सरकार लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग नुस्खे लाती है, ताकि हम डिस्ट्रैक्टेड रहें और सवाल ना पूछें, मेन मुद्दों को साइड में रखकर चुप हो जाएं। पाकिस्तान में इस टाइम यही चल रहा है। 2023 पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंजिंग साल होने वाला, ये एक सच है। पिछले एक साल में हमने हमारे नेबर्स को एक के बाद एक फेल होते हुए देखा। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देशों की इकोनॉमी फाइट कर रही है सर्वाइवल के लिए। बुरे इकोनॉमिक डिसीजंस एक देश को भारी पड़ सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने देखा है। और ये सिलसिला 2023 में कंटिन्यू होने वाला है, तो हमें एज अ कंट्री हमारे कोर इश्यूज पर फोकस करने की जरूरत है, और इसमें हमें हमारे लीडर्स को अकाउंटेबल रखना ही हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्त। यार वीडियो के अंदर मोस्टली सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो सिचुएशंस हम लोग अपने ट्विटर वगैरह में, बाकी मतलब सोशल मीडिया हम अवेयर हैं, मतलब वो चीज। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि लोग ना अभी इसमें ज्यादा गुस्से में, अगर ये गवर्नमेंट चलो आगे जैसे भी आई, अगर डिलीवर कर जाती और प्राइसेस कम होती तो लोग इतने गुस्से में, प्राइसेस कम ना भी होती, अगर इन्फ्लेशन कम होता, मतलब जो जहां पर जो चल रहा है, गुस्से में ना होते, लोग कहते चलो चल रहा है, चल रहा है, क्योंकि क्योंकि ये इनस्टेबिलिटी अगर पॉलिटिक्स में आती है ना, तो उसकी वजह से ये जो बाकी की गुर्बत जो आई है ना, उसमें जो काम खराब हुआ वहां से, अगर ये चीजें जिस तरीके से जो प्राइजेस वगैरह चीजों की जिस तरीके से चल रही थी, अगर उसी तरीके से अभी तक चलते आ रही होती, मतलब वही हर साल के अंदर 2-2, 3-3 रुपए का इजाफा हो रहा था चीजों का, अगर वही चल रहा होता ना, तो फिर इतना इशू नहीं होता। लोगों में ना एकदम से इन 10 महीनों में इतनी महंगाई आ गई है ना कि लोग अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, और इस वजह से भी बहुत ज्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं कि यार उनको लग रहा है कि चलो ये तो नहीं कर पा रहे, तो उसी को वापस ले आओ जो पहले था, जो पहले था, जो मतलब कि कुछ ना कुछ रोक के रखा हुआ था। खैर इमरान खान का दौर भी इस तरीके का नहीं था कि हम लोग ये कहें कि बहुत बहुत खुश थे, लेकिन ये था कि लेकिन अभी ये था, के मुकाबले में बेटर था, थोड़ा सा बहुत बेटर था, बहुत ज्यादा। तो खैर हम दोनों का थोड़ा सा नहीं मैच करेगा इस चीज पे, क्योंकि क्योंकि लेकिन इस बात पे मैं एग्री करती हूँ कि ये के नहीं संभाला जा रहा, तो न्यू इलेक्शंस होने चाहिए पाकिस्तान में, थोड़ी सी ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबल हो जाए। खैर वीडियो इंटरेस्टिंग थी, अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आया और रिएक्शन पसंद आया, तो प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, और अगर किसी और वीडियो पे भी रिएक्शन चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।